गुड मॉर्निंग गाइस। नाउ पिछले वाले वीडियो में हमने फॉरेन एक्सचेंज के दो तीन टॉपिक्स देखे थे। आज हम इस वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। इसमें हम देखेंगे कि फॉरेन एक्सचेंज का मार्केट किस तरीके से वर्क करता है, और इसके बाद हम देखेंगे कि फॉरेन एक्सचेंज रेट किस तरीके से डिटरमाइन होती है। हमने देखा था डिमांड और सप्लाई से डिटरमाइन होती है, तो कैसे डिमांड एंड सप्लाई से डिटरमाइन होती है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। नाउ स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो, बट उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल बटन है उसको दबाइए, प्रेस करिए और सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आने वाले अगले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होता है। उससे पहले मैं आपको एक डायग्राम से समझाता हूँ कि फॉरेन एक्सचेंज आप किस तरीके से परचेज और सेल करते हैं। देखिए, आप यहाँ कोई दुकान नहीं है जहाँ पर आपको जाकर के डॉलर वगैरह मिल जाएंगे। इसका एक सिस्टमेटिक तरीका होता है जहाँ पर आप जाकर के आपके डॉलर वगैरह ले सकते हैं। उसके लिए बाकायदा आपको ये तक बताना पड़ता है कि मुझे डॉलर वगैरह क्यों चाहिए। इसमें कई सारे जो फॉरेन एक्सचेंज का एक्ट है उसमें आपको लिमिटेशंस भी है कि आप इतने डॉलर से ज़्यादा एक साथ ले नहीं सकते और सारी चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें भी आपके ऊपर अप्लाई होती है। नाउ अब हम समझते हैं कि ये चीज़ें कैसे वर्क करती है। हमने बैंकिंग में समझा था सबसे ऊपर होता है RBI, यहाँ पर भी सबसे ऊपर होता है RBI, यही संभालता है पूरे फॉरेन एक्सचेंज को, क्योंकि ये हमारा मॉनेटरी सिस्टम का पूरा हेड है, तो फॉरेन एक्सचेंज को भी यही संभालेगा। अब फॉरेन एक्सचेंज को संभालने के लिए इसने अब हम सीधा RBI के पास जाए ये तो सही नहीं रहेगा, और RBI भी बहुत ज़्यादा तंग हो जाएगा। इस वजह से ये दो लोगों को लाइसेंस देता है। एक होते हैं जो इसके ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, वो है बैंक, और दूसरा जिन्हें बोला जाता है अथोराइज डीलर। अथोराइज डीलर इसलिए कि इन्होंने RBI से अथॉरिटी ली है, अथोराइज डीलर। नाउ ये क्या करते हैं, इनके पास आप जाकर के फॉरेन एक्सचेंज सेल या परचेज कर सकते हो। यानी आप इनके पास जाओगे, इनको कहोगे कि मेरे अकाउंट में 70,000 रुपीज़ है। अब इन 70,000 रुपीज़ से 70 रुपीज़ की रेट से हमें 1,000 डॉलर मिलेंगे। अब ये 1,000 डॉलर आपको कभी भी कैश में नहीं दिया जाएगा, या तो आपका जो फॉरेन अकाउंट है वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे, या फिर कोई और जो फॉरेन अकाउंट है जिसको आपको पेमेंट करना है उसके अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। लेकिन कौन करेगा, या तो बैंक करेंगे या अथोराइज डीलर करेंगे। ये हो गया फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में किस तरीके से वर्क करता है। तो अब फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का मतलब क्या हो गया, एक ऐसा मार्केट जहाँ पे फॉरेन करेंसीज बॉट और सोल्ड होती है। अब ये कोई ऐसा एक मंडी की तरह मार्केट नहीं है जहाँ पे आप मार्केट में बोट और सोल्ड कर सकते हो। ये इस तरीके का एक मार्केट रहता है जहाँ पे आप हर बैंक में जा सकते हो और अथॉराइज डीलर, तो इनका जो कंबाइन चीज़ें हैं इनको आप बोल सकते हो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। नाउ उसके बाद हम समझते हैं नेक्स्ट, इट इज़ नॉट ए फिजिकल मार्केट, इट इज़ एन लाइक दैट, ठीक है। अब आता है फंक्शंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के फंक्शंस क्या क्या है। सबसे पहला फंक्शन आता है ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर क्या करता है, ये फॉरेन एक्सचेंज को ट्रांसफर करता है। नाउ इसमें कोई दिक्कत नहीं। मनी के क्या क्या फंक्शंस थे, सेम वही यहाँ पर भी फंक्शंस लिखे हुए हैं। मनी के फंक्शन थे ट्रांसफर, क्योंकि हम वैल्यू को ट्रांसफर कर सकते थे, इसीलिए यहाँ पर भी क्या होता है ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन परचेजिंग पावर को ट्रांसफर करता है बिटवीन द कंट्रीज, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रांसफर किया जा सकता है। नाउ अब आता है क्रेडिट फंक्शन। क्रेडिट फंक्शन क्या होता है, इट प्रोवाइड्स क्रेडिट फॉर फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड के लिए क्रेडिट भी प्रोवाइड किया जाता है, यानी तो क्रेडिट फंक्शन में क्या होता है, फॉरेन ट्रेड को अंदर अगर आपको क्रेडिट चाहिए, जैसे मान लीजिए लेट से कि एक पर्सन है जो कि USA का है और सेकंड पर्सन है जो कि इंडिया का है। अब इंडिया वाला अगर USA को कोई सामान भेजता है और USA वाला कहता है कि मुझे एक महीने बाद पेमेंट करना है, तो ये जो एक महीने बाद का जो लोन है ये भी यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज में वर्क करता है। उसके बाद आता है हेजिंग फंक्शन। हेजिंग फंक्शन क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपको अपनी फॉरेन एक्सचेंज रेट से वो करना है, मतलब कि एकदम वो लेना है, क्या कहते हैं उसे, फॉरेन एक्सचेंज से अगर आपको ऊपर नीचे होने से हेज करना है, अपने आप को सिक्योर करना है, तो उसे कहा जाता है हेजिंग फंक्शन। अब ये कैसे वर्क करता है, देखिए मान लीजिए कि ये सेम एग्जांपल लेते हैं, USA है और इंडिया वाला पर्सन है। अब USA वाला जो पर्सन है वो एक महीने बाद पेमेंट करेगा, ठीक है। अभी रेट चल रहा है 70, और अब इंडिया वाला पर्सन जो है वो थोड़ा सा घबराया हुआ है कि एक महीने बाद तो एक्सचेंज रेट कुछ भी हो सकती है, 70 से गिर करके 68 भी हो सकती है, 67 भी हो सकती है, 65 भी हो सकती है, बढ़ने में बढ़ सकती है, लेकिन गिरने में ही मेरा नुकसान है। अब अगर मान लीजिए 68 से गिर करके 65 हो गई, अभी मान लीजिए 70 से गिर करके 68 हो गई, तो पहले मुझे 70,000 मिलने वाले थे, अब उसके बाद मुझे मिलेंगे 68,000, यानी कि 2,000 का नुकसान। तो ये 2,000 का नुकसान से बचने के लिए इसे अगर वो बैंक में जाकर के हेजिंग कर सकता है। ये कैसे होती है ये हम थोड़ा सा आगे की स्लाइड में पढ़ने वाले हैं। अब फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है स्पॉट मार्केट और दूसरा है फॉरवर्ड मार्केट।
स्पॉट मार्केट क्या होता है, यहाँ पे आप सीधे जाइए है ना, और आप कहिए कि मुझे इतने रुपए चाहिए, सॉरी इतने डॉलर चाहिए, आप रुपए दीजिए, इतने डॉलर ले लीजिए, यानी कि ऑन द स्पॉट आपको डिलीवरी हो जाती है। हालांकि क्लियरिंग में 2 दिन का टाइम लगता है, ठीक है, T+2, यानी कि जिस दिन ट्रांजेक्शन हुए उससे 2 दिन आपको लगते हैं क्लियरिंग में, आपको तुरंत नहीं मिलता है, बट इसमें क्योंकि आप ज़्यादातर ये सीधे डायरेक्टली परचेज कर सकते हो, इसलिए इसे बोला जाता है स्पॉट मार्केट। द रेट ऑफ एक्सचेंज विच प्रिवेल्स इन द स्पॉट मार्केट, उसे बोला जाता है स्पॉट एक्सचेंज रेट या फिर करंट रेट ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। ये तो हो गया, ये आप सब जानते हैं, क्योंकि आप जाएंगे वहाँ पे, उसको बोलेंगे मुझे 1,000 डॉलर चाहिए, वो कहेगा 70,000, आज की रेट चल रही है 70, आप उसे 70,000 देंगे, एंड देन आप जो 1,000 डॉलर है, अगर आपको किसी रिलेटिव को ट्रांसफर करने या किसी भी जगह आपको ट्रांसफर करना है, आप उसे ट्रांसफर करेंगे, दैट्स इट। ये हो गया स्पॉट मार्केट। अब आता है दूसरा, फॉरवर्ड मार्केट। फॉरवर्ड मार्केट क्या होता है? जैसे मैंने आपको समझाया था कि ये एक पर्सन है और ये दूसरा पर्सन है, इंडिया वाला, इंडिया वाले ने यूएसए के पर्सन को माल ट्रांसफ़र किया, अब उसे 1 महीने बाद पेमेंट मिलने वाला है, ठीक है। अब 1 महीने तक वो वेट करेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये आम जो ट्रेड है उसकी एक कंडीशन है कि 1 महीने बाद ही पेमेंट होता है। लेकिन जब इंडिया में था तब तो उसकी वैल्यू में कोई गिरावट नहीं आने वाली थी, 1 महीने बाद भी पेमेंट करता तब भी उसे 70,000 ही मिलने वाले थे। बट अगर यहाँ पे 1 महीने बाद पेमेंट करने पे रुपए में अगर गिरावट आ गई तो यहाँ पे इंडिया वाले को 2,000 रुपये का नुकसान हो जाएगा। तो यहाँ पे वो जाता है बैंक के पास और वो जाकर के कहता है कि मेरे को 1 महीने बाद 1,000 डॉलर आने वाले हैं। तो बैंक कहती है अच्छी बात है बाबा, हम क्या करें, आप ये करो कि वो 1,000 डॉलर आप 1 महीने बाद रख लेना, ओके, और आज के रेट से मुझे डॉलर दे दो। तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन जो है वो 2 एग्जीक्यूट हुए। पहला एग्जीक्यूट ट्रांजेक्शन हुआ, आज उसे 1,000 डॉलर के बदले में पैसे मिले, आज उसे क्या मिले, 1,000 डॉलर के बदले में आज पैसे मिले, और उसके अकाउंट में 1,000 डॉलर जो है वो एज ए लोन चढ़ गए। ये लोन 1 महीने बाद उसे चुका दिया जाएगा और वो आ जाएंगे 1,000 डॉलर जब उसके पास, ठीक है। इस वजह से क्या होता है, इतना कॉम्प्लेक्स में मत जाइए, बट यहाँ पे क्या हुआ कि जो इंडिया वाला है उसको 1,000 डॉलर के बदले में आज की रेट में डिसाइड कर दिया जाता है कि आज तुम्हें 70,000 रुपीज़ के रेट में डिसाइड होता है। पैसे नहीं मिल रहे हैं, बस केवल डिसाइड कर दिया जाता है कि आज की रेट में तुमको डिसाइड कर दिया गया है 70 रुपीज़ में। अब जैसे ही 1 महीने बाद 1,000 डॉलर आएंगे तब उसे 70 रुपीज़ के रेट से 70,000 ही मिलेंगे उसको। अगर कम भी हो जाते हैं तब भी उसका कोई नुकसान नहीं, और ज़्यादा हो जाता है तब भी उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो ये फॉरवर्ड मार्केट क्या होता है, जहाँ पे आप जो ट्रांजेक्शन है वो तो अभी एक बार कर ही रहे हो, ठीक है, आप जाकर के एक बार बोलोगे तो सही, लेकिन आज डेट एग्री तो हो रहा है, लेकिन वो जो ट्रांजेक्शन है, जो एक्चुअल ट्रांजेक्शन है, जो सेटलमेंट है, वो होगा फ्यूचर डेट में। और ये क्यों होता है, इसके 2 रीज़न है, एक है हेजिंग, दूसरा एक और होता है स्पेकुलेशन, यानी कि जो सट्टेबाजी। अब ये कैसे होता है, मान लीजिए आप आज है 70 रुपीज़ की रेट है डॉलर की, कल को ये बटने वाली है और 72 होने वाली है, ठीक है, या गिर करके 68 हो सकती है। अब अगर 72 होने वाली है तो आप आज क्या करोगे, आज जाकर के कहोगे मुझे 1,000 डॉलर खरीदने हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए प्रॉफिट कमाने का सीधा सा रूल है, सस्ते में खरीदो महंगे में बेचो, ठीक, इसके अलावा और कोई रूल नहीं है। तो सस्ते में खरीदने, यानी कि आज आप जाओगे और कहोगे कि मुझे 70 रुपीज़ में खरीदना है, आप 1,000 डॉलर खरीदोगे और आज ही के दिन एक कॉन्ट्रैक्ट कर लोगे इसका। अब अगर 72 हो गया तो आप क्या करोगे, 2 रुपये का प्रॉफिट कमा लोगे इस तरीके से। तो स्पेकुलेशन में भी ये चीज़ काम आती है। नाउ अब समझते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज रेट किस तरीके से डिटरमाइन होती है। फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होती है ड्यू टू डिमांड एंड सप्लाई, और हमें अब समझना पड़ेगा डिमांड एंड सप्लाई को। नाउ डिमांड क्यों होती है, फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड होती क्यों है, रीजन ऑफ डिमांड। डिमांड होती है, सबसे पहले आपको पता है, इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। अगर आप बाहर जा रहे हो तब आपको फॉरेन एक्सचेंज चाहिए, मान लीजिए आप यूएसए घूमने जा रहे हो तो आपको है ना चाहिए। अगर आपका बच्चा यूएसए में पढ़ रहा है तब आपको फॉरेन एक्सचेंज चाहिए, आप यूएसए में पढ़ रहे हो तो आपके पिताजी वहाँ पे भेजेंगे, यूनिलेटरल ट्रांसफर मतलब वन वे, ठीक है, वहाँ से आपको कोई उम्मीद नहीं है। जैसे अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो, यानी कि आप पैसे भेज रहे हो, तो वहाँ से आपको गुड्स मिलेगी, सर्विसेज मिलेगी। अगर आप टूरिज्म कर रहे हो तो आपको कुछ एंजॉयमेंट मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है ना, तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा, आप केवल अपने जो है उसको बेच रहे हो। उसके अलावा अगर आपको जैसे मन किया कि चलो मैं यहाँ पे फॉरेन कंट्री में कोई एसेट खरीदता हूँ, तो उसके लिए भी आपको फॉरेन एक्सचेंज चाहिए होगा। या फिर जैसे मैंने आपको कहा था कि अगर आपको स्पेकुलेशन करना है, प्रॉफिट कमाना है, तब भी आप ये चीज़ें कर सकते हो। नाउ उसके बाद हमें समझना होगा कि फॉरेन एक्सचेंज का जो डिमांड है उसमें इंक्रीज क्यों होता है। फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड में इंक्रीज क्यों होता है, रीजन ऑफ राइज इन डिमांड। जब भी जो फॉरेन एक्सचेंज की फॉरेन करेंसी गिरती है तब डिमांड इंक्रीज होगी, क्योंकि ये सीधा सा इकोनॉमिक्स का रूल है कि जैसे ही किसी की वैल्यू में गिरावट आती है तो लोग उसकी ज़्यादा डिमांड करना लग जाते हैं
तो अब ऐसे में क्या होगा, क्योंकि जैसे ही फॉरेन एक्सचेंज की रेट गिरेगी, हमने कहा था कि इम्पोर्ट जो है वो सस्ते हो जाएंगे, वहाँ के गुड्स सस्ते हो जाएंगे, तो हम इम्पोर्ट करना चालू कर देंगे, क्योंकि इम्पोर्ट ज़्यादा होने लग जाएंगे तो डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी। दूसरी चीज़, टूरिज्म बढ़ने लग जाएगा, क्योंकि अब वहाँ घूमना सस्ता हो जाएगा और स्पेकुलेशन से प्रॉफिट भी, क्योंकि अब अगर गिर गई है प्राइस तो लोग खरीदना चालू कर देंगे, क्योंकि उनको लगता है कि बाद में कभी बढ़ेगी तब हम बेच के प्रॉफिट कमा लेंगे। नाउ अब आता है डिमांड कर्व किस तरीके से दिखता है। डिमांड कर्व यानी कि किस तरीके से अगर आप डिमांड को प्लॉट करोगे एक ग्राफ पे तो कैसे दिखेगा। डिमांड इस तरीके से दिखेगा कि जैसे जैसे जितनी ज़्यादा प्राइस होगी उतनी कम डिमांड होगी। 70 पे कम डिमांड है, जैसे जैसे प्राइस गिरती जाएगी वैसे वैसे डिमांड भी कम होती जाएगी, यानी कि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा और इस तरीके से एक रेखा में बना हुआ रहेगा। ठीक है, यानी 70 पे $1 की डिमांड थी, उसके बाद 68 पे $2 की डिमांड हुई, इस तरीके से ये गिरता हुआ डाउनवर्ड स्लोपिंग एक कर्व होगा। उसके बाद आता है सप्लाई। सप्लाई में सिंपल है कि इसके रीज़न क्या होंगे, सप्लाई के रीजन होंगे एक्सपोर्ट, उसके ऊपर है उल्टे होंगे, एक्सपोर्ट कर रहे हो तब आपको सप्लाई मिलेगी, या जो वहाँ से इन्वेस्टमेंट आ रहा है तब भी आपके पास पैसा आएगा, फॉरेन एक्सचेंज आएगा, या फिर वहाँ से कोई ट्रांसफर होकर के आ रहा है तब भी आपके पास पैसा आएगा, या वहाँ से कोई आपके यहाँ पे एसेट खरीद रहा है तब आपके पास पैसा आएगा, या फिर लोगों को स्पेकुलेशन प्रॉफिट कमाना है तो क्या करेंगे, पहले सेल कर देंगे बाद में बाय करेंगे, तो ये स्पेकुलेशन हो सकता है। सप्लाई में इंक्रीज़ का रीज़न क्या आ सकता है, जैसे ही आपकी जो फॉरेन एक्सचेंज की प्राइस है वो बढ़ जाएगी तो क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज की प्राइस बढ़ गई, आपकी डोमेस्टिक करेंसी की प्राइस गिर गई, डोमेस्टिक करेंसी की प्राइस गिर गई, तो ऐसे में क्या होगा कि इम्पोर्ट जो है वो इम्पोर्ट सस्ते हो जाएंगे, इम्पोर्ट हमारे यहाँ से, ठीक है, एक्सपोर्ट होना चालू हो जाएगा, और एक्सपोर्ट जो चालू हो जाएंगे, सॉरी यहाँ पे, ठीक है, एक्सपोर्ट चालू हो जाएंगे तो डिमांड जो है हो जाएंगी। इसके अलावा हमारे यहाँ पे टूरिज्म आने लग जाएगा और लोग यहाँ पे स्पेकुलेशन करने लग जाएंगे, तो इस वजह से सप्लाई भी बढ़ जाएगी। नाउ सप्लाई कर्व कैसे दिखेगा, सप्लाई कर्व जैसे जैसे सप्लाई बढ़ेगी, सॉरी जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज़ होती जाएगी वैसे वैसे सप्लाई भी इंक्रीज़ होती जाएगी, क्योंकि लोगों अब लोग उनको पैसे को निकालने लग जाएंगे कि भाई जैसे मान लीजिए अगर आपके पास 64 है तो थोड़ा दबा के रखेंगे, उसके बाद जैसे जैसे प्राइस बढ़ती जाएगी तो अपने पास जो पैसा है उसको निकालने लगेंगे, तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी वैसे वैसे सप्लाई भी बढ़ने लग जाएगी, तो ये अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होगा। अब डिटरमाइन कैसे होती है, डिटरमाइन होती है जहाँ पे ये दोनों कर्व एक दूसरे को काटे, ठीक है, इन द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम डिटरमाइन होती है डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस से, और वो होता है जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को काटे, एक दूसरे के इक्वल हो। अगर हम इसको एक बार ग्राफ में प्लॉट करके देखें तो ये सप्लाई वक्र है और ये डिमांड वक्र है, और ये जहाँ पे काट रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे रेट क्या है 67, ये हो गए हमारी एक एक्चुअल जो रेट है जो हमें हमारी चलेगी मार्केट में प्रिवेल करेगी, यानी कि सप्लाई की एक रेखा बना दी, डिमांड की एक बना दी, और जहाँ पे एक दोनों को इंटरसेक्ट किया वहाँ पे ये बन गया। ठीक है, इस तरीके से एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन किया जाता है। अब मान लीजिए कि डिमांड जो है वो यहाँ हो जाती है, तो ये जो गैप हो जाता है और ये जो गैप यहाँ पे आ जाता है ये थोड़ा सा बढ़ जाता है, और ठीक है ना। अब समझते हैं नेक्स्ट कि एक्सचेंज रेट इन चेंज इन एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट में चेंज कब होता है, जब डिमांड में चेंज होता है और जब सप्लाई में चेंज होता है। सबसे पहले डिमांड के देखते हैं, मान लीजिए कि ये हमारी एग्जिस्टिंग डिमांड है, ये हमारी सप्लाई है, ये हमारी एग्जिस्टिंग डिमांड है। अब यहाँ पे इंक्रीज हुई है डिमांड में, जैसे ही डिमांड में इंक्रीज होगी तो प्राइस क्या होगा, प्राइस बढ़ेगा, तो यहाँ पे ये प्राइस बढ़ गया है ना, और जैसे ही प्राइस डिक्रीज होगा वैसे ही ये यहाँ इंटरसेट करेगा तो यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। और उसी तरीके से सप्लाई में भी क्या होगा कि जैसे ही सप्लाई ऊपर गया तो सप्लाई इंक्रीज होगी, हमारी प्राइस जो है वो गिर जाएगी डिमांड। अब देखिए जब भी हम प्राइस डिमांड या सप्लाई को बढ़ा रहे हैं तो एक अनदर चीज़ को हमें सेम रखना पड़ेगा, तो यहाँ पे जैसे ही सप्लाई जो है वो इंक्रीज हुई हमारी प्राइस जो है वो गिर गई, और जैसे ही हमारी सप्लाई डिक्रीज हुई प्राइस हमारी बढ़ गई, और हमारी जो डिमांड है वो कॉन्स्टेंट है। तो इस तरीके से आप ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दे सकते हैं कि डिमांड और सप्लाई में किस तरीके से डिटरमाइन होता है। नाउ आज का वीडियो बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग अस, गुड डे, गुड बाय, और यहीं पे हमारा यूनिट सेकंड यूनिट 5 का चैप्टर 2 चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे चैप्टर 2।